भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रही तनातनी को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन इसके बावजूद चीन के मीडिया में बार बार चीनी सेना की तैयारियों के वीडियो सामने आते रहते हैं। ये चीन की भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी है, लेकिन अब भारत ने भी पहली बार लद्दाख की सीमा की सुरक्षा में लगे भारतीय जवानों का वीडियो शेयर किया है। क्या खास है इस वीडियो में, रिपोर्ट में देखिए। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत अपने इरादे जाहिर कर चुका है। चीन को बता चुका है कि अगर चीन बातचीत के जरिए मसले का समाधान चाहता है तो भारत उसके लिए तैयार है, और अगर चीन सिर्फ युद्ध की भाषा ही समझता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना की तैयारियों की वानगी है ये वीडियो, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्वीट किया है। इस वीडियो को जो भी देखेगा उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद होकर सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए जी किशन रेड्डी ने ट्वीट किया, भारतीय सेना का प्रेरणादायक और अद्भुत वीडियो जो लद्दाख के उत्तरी भाग में हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। दरअसल आज से पहले केवल चीन ही सेना की तैयारियों के वीडियो शेयर करता रहता था, लेकिन भारत ने आज चीन को बता दिया है कि अब भारत से चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। दरअसल इससे पहले चीनी मीडिया ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मध्य हुबेई प्रांत के ऊंचाई वाले उत्तर पश्चिम इलाके में हजारों पेट्रोल ट्रूपर्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ युद्ध अभ्यास का वीडियो शेयर किया था। इससे पहले भी चीनी सेना 1 जून को तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाके में आधी रात को घने अंधेरे में युद्धाभ्यास कर चुकी है, लेकिन अब भारत ने भी वीडियो के जरिए अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।